मीडिया में तरुण हिंदू और स्वतंत्र विचार निरसा नामक अकाउंट से दो दिन पूर्व एक पोस्ट वायरल हुआ है जिसमें भाजपा नेत्री सह पत्थरकुआं मुखिया अनिता गोराई के खिलाफ अभद्र अश्लील टिप्पणी की गई थी, जिसकी शिकायत के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण कालू बथान ओपी परिसर में जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन गोराई के नेतृत्व में दर्जनों मुखिया ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन गोराई ने बताया कि इस तरह की टिप्पणी करना कहीं भी उचित नहीं है और इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक से की गई है, परंतु 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब तक दोषी व्यक्ति की गिरफ्तार नहीं होती है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन कर रहे सभी मुखिया ने बताया कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम सब यहीं बैठेंगे और खिचड़ी बना के खाएंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं कालू बथान ओपी के एएसआई रामेश्वर कुमार पासवान ने बताया कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर कुछ लोग अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, प्रशासन उन लोगों को चिन्हित कर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। कहना चाहता है कि इसको जो छोड़ा ये मोबाइल पर ये वीडियो, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार चाहिए। और हम लोग को की महिला है, जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक यहाँ से नहीं उठेंगी, नहीं लड़ेंगी, जान भी दे देंगी। हमारा मुखिया जी दो बार हमारा पंचायत से जीता है, वो आंगन पार्टी को हम लोग जितना गंधा लोग है उतना गंधा लोग को हम पकड़ाएंगी, तक जो दिया उसको हम पकड़ाएंगी। क्या नाम है आपका? मीना मंडल। हम लोग आज कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार और जो हमारे शीर्ष पर बैठे हुए हैं उनके कार्यकलाप वो अच्छा लगा, इसलिए हम लोग इस पार्टी में आए हैं। उनकी सोच जो है महिला अत्याचार बर्दाश्त नहीं, महिला पर शोषण बर्दाश्त नहीं, महिला पर जिस तरह से उन्होंने सम्मान दिए हैं वो आज बहुत ही हम लोग को अच्छा लगा। आज हमारे विपक्षी इस पार्टी में जाकर हमारे जो निरसा प्रखंड विधानसभा अंतर्गत केलियासुर प्रखंड अंतर्गत पाथरकुआं पंचायत के मुखिया अनिता गोराई भारतीय जनता पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपना जनता के बीच पहुंच चुकी है और जनता का बहुत ही शुभचिंतक बन चुकी है। और जो है जनता बहुत ही अभी जो है उनको नजदीकी रूप से देखना चाह रही, इसलिए जो है पार्टी बहुत रही है। इस सब देखते हुए जो है विपक्षी दल आपका घबरा गया है, जिसके कारण यही सब जो कि एक महिला पर यह टिप्पणी हम लोग मुंह से स्पष्ट कह नहीं सकते हैं, इतना अभद्र व्यवहार किया है, इतना अभद्र सोशल मीडिया में लिख के छोड़ा है कि कहा नहीं जा सकता, तो ये सब बहुत ही अत्याचार है, इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और पिछले कुछ दिन पहले भी भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर भी ऐसा हुआ था, तो वह करीब 5-7 घंटा के अंदर उस पर कार्रवाई होकर उसको जेल भेज दिया गया, लेकिन अभी तक 15-20 घंटा बीत गया, लेकिन इस तरह का अत्याचार हुआ है, जघन्य अपराध किया है, अभी तक उस पर कार्रवाई कुछ हुआ नहीं, जिसके लिए सारे महिलाओं का कहना है, ये सारे महिला जो देख रहे हैं आप, ये महिला सब मेरा घर गया था कि हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे, थाना में जाकर धरना देंगे, जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम लोग थाना में ही डाक बैठ करेंगे। दादा, वर्तमान में भाजपा नेत्री अनिता गोराई प्रबल दावेदार के रूप में देखी जा रही थी निरसा विधानसभा के लिए, क्या लगता है उनकी लोकप्रियता के चलते ऐसा कुछ घटना घटा अचानक? मेन कारण तो यही है कि लोकप्रियता जिस तरह हो रहा, पक्ष विपक्ष जो भी साथ में है सभी लोगों का थोड़ा दुख लग रहा, थोड़ा सा इसमें अब समझने का बात है कि आप तो जान ही रहे हैं कि काहे ऐसा हो रहा है। दादा, उनकी दावेदारी पर इसका कितना असर पड़ेगा? टिकट की प्रमुख दावेदार मानी जा रही थी वर्तमान में, अब उनकी दावेदारी पर इसका कितना असर पड़ेगा? दावेदारी पर असर तो कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सच घटना नहीं है। आप देखिए, ये सत्य त्रेता था पर चारों युग होते आ रहा, रावण ने माँ सीता देवी को भी हरण किया था, तो कर लिया तो अपराध किया,
तो अपराध करने वाला का दोषी है या तो जिस पर अपराध किया है वह दोषी है, तो कुछ भी कर सकता है, लिख सकता है। कानून हम लोग हाथ में नहीं लिए, अपना कानून पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है, न्याय पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है। तो क्या लगता है किन की कारस्थानी हो सकती है, किन पार्टी, किसी का कुछ नाम आपके जहन में आ रहा है जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है? नाम तो मोबाइल में चार चार आदमी का नाम आया है जो ग्रुप में है, वो लोग जितना उस फेसबुक में जुड़ा हुआ था सबको डिलीट मार दिया आज सुबह तक, लेकिन चार तो अभी जो है मुखिया जी उसको अपना सेव करके रख ली है। मुखिया जी कहना है कि इस चारों को ऐसी करने से, पूछताछ करने से ही सारा चीज खुलासा हो जाएगा। दादा क्या कानूनी कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं? कुछ लिखित शिकायत दी है आपने? लिखित शिकायत कल दिए है 2-3 बजे। पुलिस अगर नहीं पकड़ पाती है, कार्रवाई सही ढंग से नहीं, फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम वहीं पर हम लोग पड़ा हुआ है 24 घंटा रात दिन खिचड़ी चिपक रहा। तो क्या ये अनिश्चितकालीन धरना है? अनिश्चितकालीन जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक ये धरना जारी है। क्या महिला सब क्या बोल रहे हैं? पार्टी के किसी आला अधिकारी से इस विषय में कुछ वार्ता हुई, आपके उच्च अधिकारियों से कुछ वार्ता हुई है पार्टी में, प्रदेश स्तर पर इस मामले हुआ है क्या कुछ बातचीत? अभी सब मैडम जानती है, क्योंकि पार्टी जो है पार्टी का काम वही देखते है, देखती है यार वही सारा चीज। नीता गोरा जो ऊपर एक आवेदन लेकर के दिए कि हमारे साथ धारा 501, 504, 505B, 509 भादवी के अंतर्गत, और इसमें 67 IT Act भी लगा हुआ है, और इसका आयु जो है इंस्पेक्टर स्तर के होते हैं। इस फेसबुक का खोज खबर के लिए पता लगाने के लिए हम लोग हर माध्यम से पता कर रहे हैं, इसके लिए लिखित कार्रवाई की जा रही है कि कहां से इसका स्रोत पता चलेगा, ये जो ऐसा लिखने वाला पोस्ट वायरल करने वाला है कौन आदमी है, उसका हमें पता करना है। कब तक सर मामला को उद्भेदन कर लेंगे? अभी तो जब तक फेसबुक से नहीं आ जाता है, स्रोत नहीं मिल जाता है, जानकारी नहीं मिल जाती है, तब तक तो अभी बाइनेम तो इसमें प्राथमिकी ही नहीं। अगर बाइनेम अगर दर्ज होता केस तब इसमें हम लोग तुरंत कार्रवाई करते थे, तुरंत कार्रवाई करते थे, लेकिन बाइनेम नहीं रहने पर इसमें जब तक उनको माध्यम नहीं मिलेगा, और ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी माध्यम हो सकता है, बहुत जल्दी। ठीक।